बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये शेर दाऊद भाई की नजर कहने को कहा जा रहा है, खास तवज्जो। अच्छा, नदीम भाई, नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई की आपने मेरी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हर एक शेर की तरफ भी नदीम भाई की खास तवज्जो होंगे। उन भाई साहब को भी मैंने कई बार देखा है, आपका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका नाम मुख्तियार होटों पे मोहब्बत के, होटों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते। लाख वो बेवफा सही लोग हैं, तो मुझे चाहूंगी, बहुत ही शुक्रिया साहब। अगले शेर पे आपकी तवज्जो, हाँ, हो जाता है कभी कभी, ध्यान नहीं जाता, मैं माजरा चाहती हूं। शेर हजरात, आप लोगों की पसंद का शेर है ये। तेरा हम तेरी, तेरा हम तेरी, तमन्ना तेरी याद, तेरा हम तमन्ना तेरी याद, तेरा गम तेरी तमन्ना तेरी याद, तेरा गम तेरी तमन्ना तेरी याद, तेरा गम तेरी तमन्ना तेरी याद, मेरे हिस्से मेरे हिस्से। गजल के खास सुनने वाले, ये शेर, ये शेर, तेरा गम तेरी तमन्ना तेरी याद, मेरे हिस्से मेरे हिस्से में ये खजाना है। नवाजिश,
फूल शबनम खरीद सकती हूँ, जख्म मरहम खरीद सकती हूँ, मेरी खुशियाँ अगर कहीं बिक जाएं, मैं तेरे गम खरीद सकती हूँ। शेर भी आ रहे हैं यहाँ पे, वसीम इकबाल। अच्छा है, कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा शेर कहा है इन्होंने, लेकिन उससे पहले दो मिसरे। तेरा गम तेरी तमन्ना तेरी याद, मेरे हिस्से में ये खजाना है, एक मतला अजीम जी की नजर है, सुनिएगा। बर्क सी कोई दिल पे तेरे लहराई नहीं है क्या, बर्क सी कोई दिल पे तेरे लहराई नहीं है क्या, तुझको मेरी याद किसी दिन आई नहीं है क्या, तुझको मेरी याद किसी दिन आई नहीं है क्या। तो देखे ये शेर चांद छुप जा जरा तू बदली में, चांद छुप जा। अजीम जी भी यहां है, तवज्जो। अजीम जी को देख करके ये शेर जहन में आया है। चांद छुप जा जरा तू बदली में, सलीम भाई मेरी लाइन क्लियर छोड़ो। चांद छुप जा जरा तू बदली में, मुझको उनके करीब जा। राजनीति भ्रष्टाचार के संपादक मुदस्सिर पटेल साहब, सही है ना नाम? अच्छा, इन्होंने मुझे नवाजा, मेरे शेर को पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शेर की तरफ भी तवज्जो चाहूंगी साहब, और सभी हजरात भी सुने, आपने मेरी हौसला अफजाई की इस गजल में, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगला हर शेर भी बहुत प्यारा है, देखिए गजल का अगला हर शेर। हजरात, आज के दौर में ऐसा शेर जरूर होना चाहिए, आज के दौर में
और इस महफिल की रौनक और बढ़ाई है हमारे मलिक रेहान के खिदमत गुजार नाजिम भाई ने भी आकर। नाजिम भाई, ये शेर आपकी नजर है गजल का, देखें। दूर करना है हमको क्या, दूर करना है हमको तारीकी, दूर करना है हमको तारीकी, दूर करना है हमको तारीकी। क्योंकि अशोक साहिल साहब के चार मिसरे देखिए, कहते हैं अपने माजी से ना शर्मिंदा रहो, रोज सूरज बन के ताबिंदा रहो। अपने माजी से ना शर्मिंदा रहो, रोज सूरज बन के ताबिंदा रहो। मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो। इसलिए कहना है दूर करना है हमको तारीकी, जलाना है Thank you.
ಕಣ್ಣಿ ಅರ್ದು ಹೇ ಬಸಲ್ಲರ ಪಟ್ಟು ಸುಟ್ಟಿಶಿಲ್ ಬಸಲ್ಲರ ಪಟ್ಟು ಸುಟ್ಟಿಶಿಲ್ ತರಾಟ ಬಸಲ್ಲರ ಪಟ್ಟು ಸುಟ್ಟಿಶಿಲ್ ತರಾಟ ಬಸಲ್ಲರ ಪಟ್ಟು ಸುಟ್ಟಿಶಿಲ್ ತರಾಟ लसून नस्ता घर हेची जाते वरात अच्छा है बहुत अच्छा है। अगली बार ऐसा कीजिए मराठी आप लिखिएगा मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। अरे कोल्हापुर चिल्लोंगी मिर्ची अरसू बाटो वाले अजीम जी को तफसील से समझ में नहीं आता मराठी इसलिए मुझे और भी मजा आता है गाने में। लोकांची माया माझ्यावरती याची कदळती
ना पूछ कैसे पलों से गुजरा हूँ मैं, इसे न जीना समझिया मरा हूँ मैं, तेरी जुदाई सताती है लौट कर आजा, बहुत कमी तेरी महसूस कर रहा हूँ मैं। जितने भी मेरी जान बढ़ा दे, बहुत कम लग रहा है मुझे बैक मॉनिटर में, तो बिन माइक ऐसे ही। मैं एक ऐसी गजल रख रहा हूं जो मैं चाहूंगा कि, मुझे उम्मीद है कि गजल के सुनने वालों को, गजल के सुनने वालों तक ये गजल पहुंच सके। सच कह दिया तो सारे ताल्लुक बिगड़ गए, सच कह दिया तो सारे ताल्लुक बिगड़ गए, खुश रंग ख्वाब एक ही पल में उजड़ गए, क्या जाने किस मकाम पे ले आती बेबसी, अच्छा हुआ कि आप अभी से बिछड़ गए, अच्छा हुआ कि आप अभी से बिछड़ गए। तुम्हें ना, गजल का मतलब समाप्त करें फारूक भाई, तुम्हें ना भूल पाए हम, खुशबू है
सुना देता, लेकिन मैं मैंने चाहा कि कुछ ऐसा सुनाऊं जो सुनने वालों तक पहुंचे, और मैं मजबूर हूं, क्या करूं, बचपन इसी सोबत में गुजारा है। गजल का ये मतलब आपके साथ नजर कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, और सभी सभी अहले समझ की नजर कर रहा हूं। गजल का हुस्न मतलब, जमाना क्यों लगा रहता है उसकी बुराई में, जमाना क्यों लगा रहता है उसकी बुराई में, जमाना क्यों लगा रहता है उसकी ने चार मिसरे बहुत अच्छे कहे हैं, तो जो फरमाए कि ऊंचाइयों से गिर के तू सीधा न रहेगा, ऊंचा